किसान भाइयों नमस्कार। लाइफ स्टाइल में एक बार फिर से आपका आज स्वागत करते हैं। किसान भाई, हम आज आपको बतावेंगे कि पौधे में जिंक की कमी से हम क्या क्या दिखाई पड़ता है पौधे में, कि भाई अब जा हम जिंक डालना चाहिए। वो कोई भी पौधा हो भाई, आपका गन्ना भी हो सकता है, आपका धान भी, गेहूं भी, अन्य सभी फसलों में हम बताओगे। और चिलेटेड फॉर्म में जो जिंक हम डाल दें, उसका क्या महत्व हमारी फसल पर पड़ा हुआ। देखिए, पौधों में जो वृद्धि निर्धारित करने वाली इंडोल एसिटिक अम्ल नामक हार्मोन्स के निर्माण में जिंक की अहम भूमिका होती है, आप समझ रहे हैं। और पौधों के सिराओं पर सफ़ेद जो सिरा है उन पर सफ़ेद धब्बे से दिखाई देने पड़ते हैं, और जो नई पत्ती निकलती हैं पौधों से वे उजली उजली सी निकलती हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दूसरा, जिंक की कमी से जो हमारे तने में गांठों की दूरी, यानी कि जैसे गन्ना है, उसकी जिंक की कमी से हमारी जो गांठों की दूरी है, पोरी से पोरी जैसे बोलते हैं गांव में, वो छोटी पड़ जाती है। अगर जिंक की कमी की वजह से तने में इतने हैं और जिंक की वजह हम डाल लेंगे तो इतना हो जाएगा, तो बढ़ जाएगा। हम जिंक अगर डालते तो गांठों की दूरी को बढ़ाने में काम करता है। दूसरा है, जिंक की कमी से जो नई पत्ती निकलती है गेहूँ में, तो पेड़क्सी हो जाते हैं। जो पत्ती निकलती है नीचे से, तो वो भी पेड़ पेड़े पेड़े से दिखाई देने लगते हैं, और वो भी लगभग तीन तरह से। हम जैसे गेहूँ है तो गेहूँ भी तीन तरह से हमें पेड़ा दिखाई देते हैं। फंगस की वजह से भी हो सकता, और जैसा कि सर्दियों में बहुत दिन तक सूरज नहीं दिखाई देता, उसकी वजह से भी गेहूं में पेड़क दिखाई दे देती है। या जहाँ अधिक मात्रा में पानी मिल रहा है हमारे खेतों में, या नमी हो खेतों में लगातार बढ़ गई, तो उसमें भी पेड़क आ जाती है। लेकिन जिस खेत में पहले से धान हो, उसमें जिंक की कमी लगभग लगभग पड़ती है। तो किसान भाइयों, उसमें जिंक जरूर डालना। जिंक से हमारी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी। बहुत जिंक की वजह से जो हमारा गेहूं का दाना है उसमें भी एक चमक पैदा करता है। गन्ने में भी एक जिंक डालने से हमारा जो जैसा पाया कहते हैं, बढ़िया वजनदार गन्ना होता है। जब गांठ से गांठ की दूरी बढ़ जाएगी, गन्ने में चमक आएगी, हरा घोड़ा रहेगा, तो वजनदार गन्ना तो होना ही होना है। तो जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।